हुकूमत कमेटी और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात कामयाब, मामला तय पा गए। धरने के दौरान पंजाब में जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमा और कारकुन रिहा। वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर पंजाब हुकूमत ने रहनुमाओं कारकुनों को रिहा किया। रहनुमा जमात इस्लामी अब्दुल अजीज जाबिद का कहना था, हमारे कारकुनान रिहा हो चुके, गुज़िश्ता रात कुछ कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था, इन्हें भी छोड़ दिया गया। अहमद सलमान बलोच ने कहा, मुझ पर एक FIR बाकी है जो खारिज नहीं हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबा भर में 1 लाख घरों की तामीर का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने फाटा को 5 अरब रुपए के रकम मुंतकिल कर दी। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी फाटा को घर बनाने की जिम्मेदारी तफवीज। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फाटा को घरों की तामीर के लिए अराजी की निशानदेही कर दी। इब्तदाई तौर पर 10,000 घर बनाए जाएंगे। घर 5 मुख्तलिफ शहरों में तामीर होंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के इलाका रावन रोड पर लो कास्ट घर बनाए जाएंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का अजलास, मंसूबों की तकमील के लिए 1 खरब 37 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। वज़ीर आला लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 78 अरब रुपए की मंजूरी। लाहौर में रोड्स और गलियों की बेहतरी के लिए 59 अरब मंजूर। फंड सीवरेज सिस्टम और स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब पर खर्च होंगे। मुल्क के हक में जो बेहतर है हमें वो काम करना होंगे। जब तक मुस्बत तनकीद नहीं होगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हम सहाफियों की आवाज़ बड़े ऐवानों में पहुंचाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का प्रेस क्लब में तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सहाफी का एक ही किरदार है। बहैसियत गवर्नर मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझे। जहाँ आपकी आवाज़ बुलंद करना होगी हम पहुँचेंगे। वफाकी बजट में टैक्सों की भरमार। गला मंडियों में बंद कारोबार। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन की हड़ताल जारी। शहर की सबसे बड़ी मार्केट अकबरी मंडी 3 रोज से बंद। परचून मार्केट में दालों की, चावल और मसाला जात समेत दीगर अशियाए जरूरिया की दस्तियाबी मुतासर। मुतालबा तस्लीम न होने पर ताजरों का 6 अगस्त से नया लाहे अमल देने का ऐलान। LDA में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के केसेस में मशकूक ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। हुकूमती इदारे GNFPP ने मशकूक ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक आगाह कर दिया। डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस और प्रोफेशंस ने मशकूक ट्रांजैक्शन होने पर LDA को 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया। लाहौर की खूबसूरती बढ़ाने का प्लान। पंजाब हुकूमत लाहौरियों पर मेहरबान। 35 अरब रुपए की खसूसी वज़ीर आला तरक्याती प्रोजेक्ट्स मंजूर। सूबे तरक्याती बोर्ड से 23 तरक्याती स्कीमों के लिए 35 अरब के फंड्स की मंजूरी ली जाएगी। शहर में तरक्याती कामों के लिए अर्बन डेवलपमेंट से मजीद फंड्स जारी किए जाएंगे। फंड से सड़कों की तामीर और मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स और सीवरेज के काम मुकम्मल किए जाएंगे। शफाफियत के लिए SOPs भी तय। हवा सरबरा इस्माइल हनिया की शहादत। पाकिस्तान में योम सोग मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर शोदाब। इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मंसूरा में नमाज जनाजा अदा की गई। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम मस्जिद शोदा माल रोड पर गायबाना नमाज जनाजा हुई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की भी शिरकत। सदर जमीयत अहले तहसीन पाकिस्तान अलामा हशाम इलाही ज़हीर ने UAT हाउसिंग सोसाइटी में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। मुख्तलिफ मजाहिब और मकातिब फिक्र से ताल्लुक़ रखने वालों की शिरकत। फलस्तीन में निहत्ते मुसलमानों पर जारी इसराइली जुल्म पर गम व गुस्से का इजहार। हुकूमत की अपील पर मुल्क भर में फलस्तीन से यकजहती। इस्माइल हनिया को शहादत पर खराज तहसीन पेश किया गया। चेयरमैन उलमाए कौंसिल अलामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इसराइल ने फलस्तीन में जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए। 5 अगस्त को योम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जाएगा। पार्लियामेंट में वजीर आजम शहबाज शरीफ की क्यादत में फलस्तीन के हक में करारदाद मंजूर की गई। मुल्क भर में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई।